अस्सलाम वालेकुम वीवर, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। वीवर, आप देख रहे हैं आर एम डिश टी वी इन्फो। वीवर, आज मैं अनबॉक्सिंग करने लगा हूं स्टार सेट के मॉडल एस आर X7 एक्सट्रीम की। तो वीवर, ये 4K एंड्रॉयड बॉक्स है और सबसे लेटेस्ट वर्जन में ये दस्तयाब है। इसका एंड्रॉयड वर्जन 9.0 है, जो कि सबसे लेटेस्ट वर्जन है और इसमें काफ़ी फंक्शन हैं। तो इसमें आपको वीडियो ऑन डिमांड मिलेगा, एयर प्ले, गेम, मेरा कास्ट और मल्टी स्क्रीन 3D, और इसके अलावा इसमें ब्लूटूथ हॉटस्पॉट और स्मार्ट टीवी, इसके अलावा काफ़ी इसमें फंक्शन है। तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो इसको सबसे पहले मैं खोल लेता हूं डब्बे को। तो सबसे ऊपर ही आपको मिलेगा इसका बॉक्स। तो मैं इसकी पैकेजिंग में से निकाल लेता हूं। तो ये देखिए व्यूअर, ये इसका बॉक्स है जो कि इंतहाई खूबसूरत और क्यूट है। और इसके ऊपर ये देखें, ये मेटल की बॉडी है और नीचे इसके प्लास्टिक है। और प्लास्टिक में देखें कि इसके लिए उन्होंने नीचे दी हुई है ये वाली जगह कि आने वाले वक्त में यहाँ हार्ड डिस्क लगेगी। अभी इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा। और इसके बाद ये देखें, ये इसका ट्यूनर नंबर 2, नंबर 1 जे ऑडियो वीडियो के लिए दिया है। जैक है कि अगर आप बूफर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और ये ऑडियो वीडियो टीवी के लिए HDMI आउट पोर्ट, USB 3.01 लैन, दूसरी USB पोर्ट 2.0। और इसमें ऊपर देखें कार्ड भी लग सकता है और नीचे ये कार्ड का SD कार्ड का ऑप्शन भी इसमें है। और ये इसका एंटीना है लगाने के लिए और नीचे 12 वोल्ट अडाप्टर है। तो मैं आपको बिल्कुल करीब से भी दिखाने की कोशिश करता हूं कि आप ये देख लें कि इसके फंक्शन वगैरह। पहले हम देख लेते हैं कि इसमें और हमें क्या कुछ मिलेगा। तो व्यूअर, ये इसका चार्जर है जो कि इंतहाई पावरफुल बना हुआ है, ये भी इसके साथ मिलेगा। और इसके बाद ये एक अदद HDMI लीड है, ये भी आपको साथ मिलेगी। और ये बैटरी के सेल हैं, ये भी रिमोट के साथ मिलेंगे। और मैनुअल यूज़र है, ये भी आपको मिलेगा। और इसमें आपको 2 रिमोट मिलेंगे, ये देखें, एक ये रिमोट है और दूसरा रिमोट। ये दोनों ही रिमोट सेंसर वाले रिमोट हैं, यानी कि एयर रिमोट नहीं है इनमें से। और साथ में ये वाईफाई एंटीना मिलेगा जो कि इसके साथ आपको मिलता है। तो इसके बाद बॉक्स को मैं इसकी पैकेजिंग में से निकाल लेता हूं। तो ये देखिए व्यूअर, ये इसका बॉक्स है जो कि इंतहाई खूबसूरत और क्यूट है। और इसके ऊपर ये देखें, ये मेटल की बॉडी है और नीचे इसके प्लास्टिक है। और प्लास्टिक में देखें कि इसके लिए उन्होंने नीचे दी हुई है ये वाली जगह कि आने वाले वक्त में यहाँ हार्ड डिस्क लगेगी। अभी इसमें ऑप्शन नहीं है, लेकिन जैसे ही आएगा उसकी भी मैं वीडियो बना दूंगा। और इसके बाद ये देखें, ये इसका ट्यूनर नंबर 2, नंबर 1 ये ऑडियो वीडियो के लिए दिया जैक है कि अगर आप बूफर लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। और ये ऑडियो वीडियो टीवी के लिए HDMI आउट पोर्ट, USB 3.01 लैन, दूसरी USB पोर्ट 2.0। और इसमें ऊपर देखें कार्ड भी लग सकता है और नीचे ये कार्ड का SD कार्ड का ऑप्शन भी इसमें है। और ये इसका एंटीना है लगाने के लिए और नीचे 12 वोल्ट अडाप्टर है। तो मैं आपको बिल्कुल करीब से भी दिखाने की कोशिश करता हूं कि आप ये देख लें कि इसके फंक्शन वगैरह। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं टीवी पे।
और इसके मजीद फंक्शन वगैरह मैं आपको टी वी पर दिखा देता हूँ। तो ये इंतहाई अच्छा रिसीवर है वीवर, ये देखें स्टार सेट। अब यूट्यूब ने काफ़ी सख्ती कर दी है, हम कुछ चीज़ें आपको नहीं दिखा सकते, कह भी नहीं सकते, तो इसके लिए माजरत। अब हम आपको सिर्फ अनबॉक्स दिखाया करेंगे और थोड़ी बड़ी इसकी डिटेल दिखा दिया करेंगे, क्योंकि मेरा पहला चैनल यूट्यूब ने बंद कर दिया है। तो ये नौ चैनल, अब हम इसके मेन्यू में जाएंगे। तो ये वीवर देखें इसका मेन्यू, तो जब भी आप इसको ओपन करेंगे तो ये देखें, मैं कुछ आपको इस कैटेगरी दिखा देता हूँ। ये इसकी इंसुलेशन है, ये देखें व्यूअर, और इसी तरह और भी मैं फीचर दिखाता हूँ आपको। अब काफ़ी और भी इसमें फीचर हैं तो वो भी देख लेते हैं जी। ये इसका वायरलेस है और ये एचटीवी, तो एचटीवी में जाएंगे आप तो ये देखें टाइम सेटिंग, ओ एस डी सेटिंग, और ये आउट पोर्ट सेटिंग, ये देखें वीवर, और ये एरिया सेटिंग, रिकॉर्ड सेटिंग, अदर सेटिंग, यहाँ आपको इसके तमाम फीचर मिल जाएंगे। तो ये देखें वीवर, यहाँ चैनल वॉल्यूम पर की चैनल टाइम शिफ्ट, और ये एक टाइम में चार चैनल को डिकोडर कर सकता है। और इसके बाद यहाँ से आप लॉक कर सकते हैं, ये फैक्ट्री डिफॉल्ट है, और ये इसका अबाउट एसटीबी है, ये इसका तमाम डाटा कैटेगरी और डाटा आपको यहाँ मिल जाएगा। अब हम चलते हैं जी इसके नेटवर्क में, और आपको मैं इसका सर्वर ऑन करके दिखाता हूँ। तो उससे पहले हमने क्या करना है कि पहले कर लेना है जी इसमें वायरलेस सेटिंग, वायरलेस पे जाएंगे तो ये देखें व्यूअर, ये यहाँ पर आपको मिलेगा जी। और इसके जाते हैं सर्वर में, तो सर्वर आपको मिलेगा जी, ये देखें अदर में जाएंगे, और ये इसके ऐप हैं, ऐप में जाएंगे तो ये देखें व्यूअर, अपोलो ऐप स्टोर, एफटीपी, और फाइल मैनेजर, और ये अभी फाइल मैनेजर, ये हैप्पी कास्ट म्यूजिक, नेटफ्लिक्स, ओपन ब्राउजर, प्ले स्टोर, और यूट्यूब, वेदर, यू गेम, रेडियो, ये इसके ऐप वगैरह हैं। आप नए भी इसमें ऐप कर सकते हैं, वो भी मैं किसी दिन आपको वीडियो बना के दिखा दूंगा। अब हम इसके डेटाबेस भी आप इधर देख सकते हैं, ये मीडिया में जाएंगे तो ये यूएसपी का तमाम ऑप्शन वगैरह हैं, और ये मूवी, अभी मैंने इसको यूएसपी नहीं लगाई तो जा रही, ये अभी शो नहीं करेगा। और ये अदर है, तो अदर में आपको इसकी ये YouTube ने अब काफ़ी सख्ती कर दी है, हम काफ़ी चीज़ें आपको कह नहीं सकते, दिखा नहीं सकते, और उसके लिए माजरत। बाकी ये बहुत ही प्यारा रिसीवर है, और आपको ये लेटेस्ट वर्जन 9.1 में मिलता है, और एंड्रॉयड बॉक्स प्लस सेटेलाइट रिसीवर है। तो ये बहुत अच्छा रिसीवर है, इसे ज़रूर परचेज करें, उम्मीद है आपको पसंद आएगा। ये देखें व्यूअर, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट है।